सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार श्रमिक दिवस पर श्रीराम मंदिर हॉल हुडको में वार्ड 69 व 70 के 47 के प्रथम प्रातःकाल प्रहरी सफाई कर्मचारी मित्रों का सम्मान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान में पानी की बोतल व मिठाई आमंत्रित अतिथियों को भेंट की गई। साथ ही उपस्थित सफाई मित्रों, संस्था के सदस्यों व हुडको के गणमान्य नागरिकों को मतदान जागरूकता अभियान के तहत अपने परिवार सहित मतदान करने व अन्य लोगों को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने का संकल्प संस्था की श्रीमती अलका दास द्वारा कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ व स्वागत संस्था के महासचिव राकेश रत्नाकर ने किया। साथ ही संचालन संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई ने किया। आमंत्रित अतिथियों में पार्षद सीजू एंथोनी, पूर्व पार्षद दिनेश यादव, संजय दानी, श्रीमती शाहना कुरैशी सेफी, अध्यक्ष नरेंद्र बंजोर, बालू राम वर्मा, गुरुद्वारा कमेटी नेहरूनगर अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, जावेद खान, राजेश्वर राव की उपस्थिति हुई रही। सभी ने सफाई मित्रों का आभार व्यक्त करते उनकी सराहना की और साथ ही उनको मिल रहे कम वेतन पर चिंता भी जाहिर की। वहीं संस्था तथा हुडको के प्रतीक भोई, राकेश रत्नाकर, सुरेश खांडवे, शिवाकांत गिरी, प्रकाश गावंडे, वसंत सारनकर, योगेंद्र शर्मा, रमेश प्रजापति आदि लोग शामिल रहे। सभी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम सर्वदल सेवा भलाई द्वारा आयोजित किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस का पूरे विश्व में एक अपना महत्व है। इस दिन से अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है श्रमिकों के सम्मान के लिए, श्रमिकों के हितों के लिए। सभी संस्थाएं प्रयास करती हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन ये दिवस मनाते हैं और भिलाई की स्थापना जब से भिलाई स्पेशल सेंटर की जब से स्थापना हुई है, भिलाई श्रमिकों को लेकर कई दौर हमने देखे हैं और आज की स्थिति में श्रमिकों के जो पूरे उनकी जो सुविधाएं मिलनी थी उस पर काफी काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। हमारे जो ठेका श्रमिक है उनका शोषण आज भी होता है और यह दिन हम सबको एक प्लेटफॉर्म मिलाकर, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, NGO हों, सबका ये प्रयास होना चाहिए कि श्रमिकों को उनके हितों को उनको सुरक्षित रखना है। आज सफाई मित्रों का सम्मान किया गया तो जीवन में जितने लोग जो है, हाँ, और सबसे जरूरी बात कि लोकसभा के चुनाव हैं और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब बढ़कर मतदान में भाग लें और भिलाई बुद्धिजीवियों की नगरी है, हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि 7 बजे मतदान होना चाहिए, एक मैसेज पूरे देश में आना चाहिए। उसके लिए प्रयास था संस्था के द्वारा, पर्यावरण के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं तो यह भी इसमें आज इसमें डिस्कशन में आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में श्रमिकों का बहुत ही अहम योगदान होता है, उनको जितना भी सहयोग करेंगे और ये दिन उनके लिए बहुत जरूरी। मैं बीरेन सतपति, संरक्षक सर्वधर्म सेवा संस्था। आज 1 मई को हम मजदूर दिवस के रूप में मनाया, जिसमें हुडको के जो सफाई कर्मचारी थे इनको हम सम्मानित किए। इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि सफाई कर्मचारी जो कि हमारे प्रातः प्रहरी हैं, हमारे द्वारा नित्य प्रतिदिन में उपयोग किया हुआ जितना भी कचरा हम बाहर फेंकते हैं ये उसे बर्बाद होने नहीं देते, सम्मानपूर्वक सब कचरा को लेके जाते हैं और निगम का जहाँ भी यार्ड है वहाँ पर उसको डिस्पोज करते हैं। यदि ये न हो तो हम नरक में रहने जैसे वाले हो जाएंगे। तो यदि हम इस भिलाई रूपी स्वर्ग में रह रहे हैं तो उनके पीछे निश्चित रूप से ये सफाई कर्मचारियों का योगदान है, इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए आज हमने इस मई दिवस को आयोजित किया। धन्यवाद। और हमारा यह है अभियान कि लोगों को हम प्रेरित भी करें कि किस तरह से हम शहर को स्वच्छ रखें, जैसे झिल्ली, कागज, कुछ भी हुआ हम उसे एक निर्धारित जगह में फेंकें ताकि हमारे सफाई कर्मचारी उसको उठा के ले जाके कहीं भी डिस्पोज कर सकें, इधर उधर न फेंकें। यदि शहर साफ रहा तो हम साफ रहेंगे और हम साफ रहें तो शहर साफ रहेगा। हमारा मकसद यही था, लोगों को प्रेरित करना कि आप खुद साफ सुथरा रहो और शहर को भी साफ सुथरा रहो। क्योंकि अभी 1 हफ्ते बाद हमारे दुर्ग लोकसभा का मतदान है तो हम सभी लोगों को यहाँ पर शपथ दिलाए कि न हम किसी धर्म, जाति, वर्ग विशेष किसी के हम प्रभाव में नहीं आएंगे और हम अपना स्वतंत्र मतदान करेंगे, जिसे भी मतदान करना है, लेकिन मतदान से कोई चूके मत। बल्कि हम तो ये चाहेंगे
कि आप अपना मतदान करने के बाद आसपास जो व्यक्ति मतदान नहीं किया है उसको या प्रेरित करिए और उसको भी वोट दिलवाइए। तो एक किस्म से ये माना जाएगा कि आपने मतदान के दिन दो दो मतदान किया, एक अपना किए और एक जो नहीं कर रहा था उसको प्रेरित करके करवाए। सब मतदान करिए, बहुत ही सोचनीय विषय है ये। आप सही में बहुत बढ़िया बात किए। आप देखिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं ये 100% मतदान करते हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ये मतदान भी करते हैं। विडम्बना है ये। मेरा सबसे अपील है आप अपने पढ़े लिखे होने का कुछ फ़ायदा उठाइए और लोगों को बताइए कि आप एक सज्जन हैं, पढ़े लिखे हैं, मतदान करिए, मतदान से दूर मत हटिए, सब मतदान करिए। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य था मेन तो था कि इनको सम्मान देना था, सफाई कर्मियों को जिसको हम सफाई मित्र कहते हैं। और एक है जो श्रमिक दिवस मनाने का जो ऑब्जेक्ट भी है वह यही है कि इनके हितों के संरक्षण के लिए जो नीति निर्माता है, समाज सुधारक है या पॉलिटिशियन है, वो इनके अधिकारों के लिए अवेयर रहें और कुछ सोचें और उस दिशा में काम करें। आज इनको मतदान के लिए भी जागरूक किया गया कि बिना किसी प्रलोभन के अपने इस संवैधानिक अधिकार का उपयोग करें, वही संकल्प कराया। आज नमस्कार, मैं सर्वधर्म सेवा समिति से जुड़ी हूँ और हम लोग आज श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब ये बोले कि सॉरी कट कर लेंगे आप पर। हाँ, तो हम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सब लोग जैसे हम बोलते हैं कचरा वाला आया है, वो ना कहकर हम ये कहें कि सफाई कर्मी या सफाई मित्र आए हैं, क्योंकि कचरा तो हम देते हैं। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं सर्वधर्म सेवा समिति से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छे काम जो समाज में इन लोग का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मूल की